किसान भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद जय। साथियों, धान की खेती में जब बालियां निकलने की अवस्था शुरू हो जाती है, जिसे हम गभोट की अवस्था या गर्भ की अवस्था कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो धान है ये गभोट की अवस्था में पहुंच चुका है। और इसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग डड़ियाना भी कहते हैं, गोलियाना, डड़ियाना, इस तरह के जो शब्द हैं इसका इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं पे बालियां निकल भी रही हैं। तो इस अवस्था में किसान भाइयों, धान की फसल में कुछ प्रमुख रोगों के नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इस अवस्था में साथियों, धान की फसल पर फंगिसाइड का स्प्रे और साथ ही साथ तना छेदक और भूरा माहू रोग से बचाने वाली जो दवाइयाँ हैं उनका भी स्प्रे कर देना चाहिए। चूँकि जिस प्रकार बच्चा गर्भ के अंदर में रहकर विकास करता है, उसी प्रकार जो धान की बालियां हैं वो भी गर्भ की अवस्था में, गभोट की अवस्था में अपने विकास की अवस्था पर रहती है। और इस दौरान कुछ प्रमुख बीमारियों से अगर हम उसकी सुरक्षा कर लें तो जो बालियां निकलती हैं वो स्वस्थ रहती हैं और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। साथियों, इस अवस्था में हमें किसी अच्छे फफूंद नाशक का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए और वो धान की किस्म के हिसाब से हम फफूंद नाशक का चयन कर सकते हैं। जैसे कुछ धान की प्रजातियां होती हैं जिनमें ब्लास्ट या नेग ब्लास्ट जैसी बीमारियां लगती है, तो उन प्रजातियों में हमें ट्राईसाइक्लाजोल का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। और धान की जो निचली जो पत्तियाँ हैं अगर वो हरी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जो निचली पत्तियां हैं अगर उनमें सड़न या चर्पा जैसे रोग के लक्षण अगर हमें दिखाई दें तो साथ में हमें हेक्साकोनाजोल या अन्य किसी फफूंदनाशक जो कि सीथ ब्लाइट या चर्पा बीमारी की रोकथाम में कारगर हो उसका स्प्रे कर देना चाहिए। सामान्यतः किसान भाई जो हेक्साकोनाजोल दवा है उसका इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे टेक्निकल और एडवांस टेक्निकल आ चुके हैं जिनके प्रयोग से हम जो चर्पा बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो तना छेदक रोग के नियंत्रण के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भूरा माहू के लिए हम पाइमेट्राजीन दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी अच्छी एडवांस टेक्निकल की दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल किसान भाई जो रोग की तीव्रता या फसल के प्रकार के आधार पर कर सकते हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।